हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल, क्लास 12 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने लास्ट टाइम पे आपको उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब कुछ बताया था कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसे डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने उसके लिए पढ़ा था कि कोई मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो आज हम यहाँ उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल नंबर 29, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 3x + 3। ये मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, मुझे इस फंक्शन के जितने भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है वो निकालने हैं। सो f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 3x + 3। सो f'x, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जहाँ डेरिवेटिव जीरो होएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होएगा। तो f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 3x + 3। f'x किया कितना आया, x³ का 3x² - 3x का -3 और 3 का हो जाएगा 0। तो ये हो गया, 3 कॉमन लिया, x² - 1, 3 कॉमन लेंगे x² - 1, a² - b² इज़ नथिंग बट a+b × a-b, यानी 3 × x + 1 × x - 1। सो ये हो गया 3 × x + 1 × x - 1। सो f'(x) = 0, f'(x) 0 कहाँ पे होगा, x = 1 पे और x = -1 पे। अब 1 और माइनस 1 पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा तो होगा, लेकिन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। दस x = ±1 आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स विच कुड पॉसिबली बी द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड और लोकल मिनिमा, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं या लोकल मिनिमा हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकता है। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन एट द पॉइंट x = 1 पे, मैं सबसे पहले इसको चेक करती हूँ। नोट दैट फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड राइट ऑफ 1, यानी ये पॉइंट 1 है, 1 के राइट साइड में अगर मैं चेक करती हूँ तो जो f'x है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी आप इस फंक्शन में, ये जो मेरा f'x आया, मेरा f'x कितना आया स्टूडेंट्स, f'x इज इक्वल्स टू 3x² - 3। तो यहाँ पे आप 1 से कोई बड़ी वैल्यू रख के देखो ना, जब अपने को पता चलेगा। 1 से बड़ी वैल्यू, सपोज़ मैंने 2 रखी, तो 3 × 2² = 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12 - 3। तो ये कैसा आया, पॉजिटिव। तो 1 के राइट में जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और 1 के लेफ्ट में, यानी 1 से छोटा नंबर अगर मैं रखती हूँ, सपोज 0 रखती हूँ, तो 3 × 0 - 3, तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, इसका मतलब ये हमने कल क्लास में देखा, इसमें देखा था हमने डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर f'x ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ c, अगर लेफ्ट में f'x ग्रेटर देन 0 है और राइट में लेस देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर लेफ्ट में नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो हमारे भी यही आ रहा है, राइट में पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट में नेगेटिव आ रहा है, यानी जो पॉइंट 1 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो देखो, नोट दैट, यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, नोट दैट फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द राइट ऑफ 1 f'x इज ग्रेटर देन 0, एंड फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड लेफ्ट ऑफ 1 f'x इज लेस देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं x = 1 को क्या कहूँगी कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ f'1 निकालूंगी, तो f'1 मेरा कितना हो रहा है, हाँ सॉरी, लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ f(1), यानी f के अंदर मैं 1 रखूँगी। तो जैसे ही यहाँ f के अंदर 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1³ - 3 + 3, 3 से 3, 1³ = 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई 1, और जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया वो क्या आया, 1, क्योंकि 1 के राइट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव आई है, इसीलिए ये जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया है। इसी तरह से अगर मैं -1 को चेक करती हूँ तो ये मेरा पॉइंट -1 है, -1 के राइट में, -1 के राइट में क्या आएगा, जैसे इधर आएगा 0, 1, 2, लेफ्ट में आएगा -2, -3। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू मैं उठा के f'x में रखती हूँ और चेक करती हूँ, सपोज़ 0 रखती हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखूँगी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी,
और माइनस वन माइनस टू, सपोज़ यहाँ माइनस टू रखती हूँ तो थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर इज़ फोर, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो वन के राइट में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेफ्ट में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो वन के राइट में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेफ्ट में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं क्या कहूँगी, सो इन केस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, नोट दैट एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन जीरो फॉर वैल्यूज क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ माइनस वन, एंड एफ डैश एक्स इज़ लेस दैन जीरो फॉर वैल्यूज क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ माइनस वन। देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू फाइव। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ वन निकालेंगे तो जैसे ही f ऑफ माइनस वन निकालेंगे कितना आएगा, माइनस वन की क्यूब माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज़ प्लस थ्री, तो प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री इज़ नाइन, नाइन माइनस लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन का क्यूब इज़ माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज़ प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स माइनस वन इज़ फाइव। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई हमारे पास, फाइव आ गई। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके हम मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाएंगे। बस पहले एफ डैश एक्स को ज़ीरो करो, वर्किंग रूल हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हमको एक्स के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ना, उन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव उसके आसपास में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ना। अगर राइट में पॉजिटिव है लेफ्ट में नेगेटिव है तो वो मिनिमा होगा, अगर राइट में राइट में नेगेटिव है लेफ्ट में पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्लियर है? इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 हम एक और इसका एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये मेरा फंक्शन है 2x³ - 6x² + 6x + 5। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स करती हूँ, कितना हो जाएगा 2x³ का हो जाएगा मेरे पास 3 × 6x² - 12x + 6। तो ये क्या आ रहा है, 6x, 6 यहाँ से जैसे ही कॉमन लेती हूँ मेरे पास कितना बचेगा, x² - 2x + 1। तो ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सबसे पहले इसको ज़ीरो करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1। अब मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे। तो 1 के राइट में वैल्यू देख लेते हैं, ये 1 है, राइट में 2 आएगा, लेफ्ट में 0 आएगा। तो एक बार एफ डैश एक्स में 2 रख के देखती हूँ, जैसे ही 2 रखूँगी 2 - 1 का स्क्वायर, तो राइट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, 0 - 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो जैसे ही 0 रखूँगी 0 के केस में भी पॉजिटिव आ रहा है। दस एक्स इक्वल्स टू 1 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, वी शैल नाउ एग्जामिन दिस पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ऑब्जर्व दैट एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 रखने पे ये 0 हो रहा है, नहीं सॉरी, 0 रखने पे 0 - 1, 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। एंड इन पर्टिकुलर एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 टू द लेफ्ट एंड राइट। चाहे लेफ्ट में निकालो चाहे राइट में निकालो, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर आ रहा है। देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या कहेंगे कि एक्स इक्वल्स टू 1 जो है वो ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना ही वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि कोई पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब कहलाएगा। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही होता है जहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, मतलब जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज नहीं करता है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा का पॉइंट है। सो रिमार्क क्या कहता है, 1 में नोट दैट सिंस एफ डैश एक्स इन एग्जाम्पल 30 नेवर चेंजेज इन साइन ऑन आर, ग्राफ ऑफ एफ हैज़ नो टर्निंग पॉइंट, उसका कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होएगा और इसीलिए ना तो कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना ही कोई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। नाउ
इसके बाद जो हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे वो होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट से थोड़ा इजी होता है ना, इसको लगाना फर्स्ट टेस्ट से थोड़ा इजी होता है। कोई क्वेश्चन है तो उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज़ कंपैरेटिवली इजियर देन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तब तक आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।